हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची एंड आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफी हेल्प करेगी। ये लोए जो आपने काफी सुना होगा, जैसा कि आप सब जानते हैं कोरोना की सेकेंड वेव आ गई है और इसमें इम्यूनिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करने की बहुत रिक्वायरमेंट है अभी। तो आज मैं एक ऐसी रेसिपी आपको बताती हूँ जिसे अगर आप डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। सो किलोरी जो आपने बहुत सुना है, इसे आप आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं और इसका जूस आपको काफी हेल्थ बेनिफिट देता है। किलोरी का काफी यूज आयुर्वेद के मेडिसिन में भी किया जाता है। सो चलिए इसकी रेसिपी बनाते हैं और इसके साथ साथ मैं आपको इसके और भी काफी सारे बेनिफिट्स बताऊंगी। सो ये वीडियो एंड तक जरूर चाहिए। ये किलोरी के स्टेम काट कर इसको अच्छे से धो के लेने हैं और उसके साथ हमें चाहिए पानी। तो ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बन जाता है, इसमें सिर्फ हमें गिलोय चाहिए और पानी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस गिलोय के स्टेम्स को अच्छे से काट के धो के इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। उसके साथ हम इसमें एक ग्लास पानी डालेंगे। फिर हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इस गिलोय के जूस को छान लेंगे। ये एक जेल कंसिस्टेंसी का हो जाता है, हल्का सा जेल इसका जो अंदर होता है वो निकल जाता है। गिलोय जूस के काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसे आपको अपनी डाइट में जरूर रखना चाहिए। यह आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, जिनको एनीमिया का प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उनके लिए भी ये जूस बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा यह आपके लीवर से टॉक्सिन्स को दूर करता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। जिनको लीवर के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनको डायबिटीज़ है, वो भी ये जूस ले सकते हैं और इसके साथ साथ ये हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखता है। जिसको कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो भी इस जूस को ले सकते हैं। तो मेरी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक रेडी है और इसका टेस्ट काफी न्यूट्रल होता है। मैं इसे रोज पीती हूँ अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। आप भी इसे ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जूस आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।